तो हमने एक टीवी की तार निकाली, डिस्कनेक्ट किया, चल रहा था टीवी बिल्कुल ठीक ठाक था, और उसे हम ले गए टीवी के मैकेनिक के पास। तो हमने कहा यार पता नहीं क्या हो गया, खराब हो गया, इसे जरा चेक करें। उसने बहुत थोड़ी देर उसको चेक वेक करने के बाद कहा कि इसकी आईसी उड़ गई है और उस पर 13,000 रुपये लगेंगे। हालांकि वो मैकेनिक है, वो जाहिर जानता था कि सिर्फ एक तार डिस्कनेक्ट हुआ है। इसी तरह फ्रिज का हमने एक तार डिस्कनेक्ट किया, फ्रिज वाले के पास ले गए। फ्रिज वाले को कहा यार देखो ये तो चलते चलते बंद हो गया। उसने भी बहुत मीटर वीटर लगाए, उसको पसीने में शराबूर कहने लगा, इसका कंप्रेसर उड़ गया है और इस पर 18,000 रुपये लगेंगे। फिर हमने सबसे दिलचस्प चीज की कि एक मोटरसाइकिल का ट्यूब खरीदा, टायर का, नया ब्रांड न्यू, उसे टायर में डाला और पंक्चर वाले के पास ले गए। तो हमारा जो बंदा था, जो रिपोर्टर था, जो खुफिया कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसने कहा यार मैं पानी पी के आता हूँ, जरा देखना इसके पंक्चर। तो जब वो वापस आया उसने कहा जी इसमें 2 पंक्चर थे, मैंने लगा दिए 20 रुपये, जो भी उसने पैसे लिए अपने। तो जब मैं उस बंदे के पास गया वापस, पंक्चर वाले के पास भी, सबके पास गया, मैं पंक्चर वाले से पूछा, मैंने कहा अल्लाह के बंदे तुमने नई ट्यूब थी पिछली दुकान से खरीदी है, ये उसकी रसीद है, और इसलिए कि बंदा सर पे नहीं खड़ा था तुमने कह दिया इसमें 2 पंक्चर थे और पैसे भी ले लिए उसके। तो कहना हंसने लग गया, कहता है सर मैं 4 भी तो निकाल सकता था ना, शुक्र करें मैंने सिर्फ 2 ही निकाले हैं पंक्चर इसमें से। तो मुझे ये लगता है कि जिसको जितनी करप्शन का मौका मिल रहा है, अब देखे ना ये पंक्चर वाला जो आज 20 रुपए की करप्शन कर रहा है, अगर ये कल हुक्मरान बन जाएगा तो क्या ये 20 अरब की करप्शन नहीं करेगा? आई एम श्योर करेगा, इसलिए उसको मौका ही 20 रुपए का करप्शन करने का मिल रहा है। जो टीवी वाला 13,000 रुपए की करप्शन कर रहा है, वो 13,000 अरब की करप्शन करेगा। तो मुझे लगता है कि जब ये कौम ठीक होगी नीचे से, जब हम हलवे की प्लेट पे वोट नहीं देंगे, जब हम बिरयानी की प्लेट पे बिकना छोड़ देंगे, जब हम कीमे वाले नान पे अपनी बोली नहीं लगाएंगे, तब हुक्मरान भी ठीक आएंगे, तब हुक्मरानों के फैसले में भी। तो हम तवक्को ये करते हैं कि जी लीडर ठीक आ जाएगा तो कौम ठीक नहीं होगा, ऐसा हमारे पंक्चर वाले को ठीक होना पड़ेगा, हमारे आलम दीन को ठीक होना होगा, हमारे सहाफी को ठीक होना पड़ेगा, हमारे वकील को ठीक होना पड़ेगा, टीवी का मैकेनिक सही होगा। सब लोग जब करप्शन कर रहे हैं और हम ये तवक्को करें कि जी एक लीडर पूरे मुल्क को बदल देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोग ठीक हो गए, इंसान बनेंगे, अच्छे लोगों को लेके आएंगे, और फिर मुझे लगता है ये नीचे से ऊपर तक का सफर है, ऊपर से नीचे तक का सफर नहीं है। ठीक है।